हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, वो जो कि आने वाले आपके एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एसएससी के लिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, माय नेम इज सोम सिंह और आज हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए साथ अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को, ताकि आपकी जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप क्वेश्चन को ना करें, आप सारे क्वेश्चन कर पाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज दे दूं, वो ये है कि अगर आप 20% ऑफ अपनी फीस में चाहते हैं, कम दाम में अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, कम प्राइस में स्टूडेंट, तो आपके लिए 17 से 23, यानी आज है आपका 20, 23 दिसंबर से पहले पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर ये है कि आपको 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 6479 में हो जाएगा एंड आइकॉनिक का 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 9935 में होगा। यानी कि आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, 23 दिसंबर से पहले पहले डिस्काउंट कोड PMYT यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो टेस्ट है और लाइव क्लासेस मिलने वाली है, तो आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। CHSL CGL जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, GD जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है वो इसको प्रेस करिएगा, बिकॉज आपके जो नोटिफिकेशन जाएगी वो बेल आइकन की वजह से ही जाएगी, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे आपके लिए कोई ऐसी वीडियो हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो स्टूडेंट, दिसंबर मंथ में बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं और बहुत सारे हो भी रहे हैं, तो उन सभी, चाहे वो इंग्लिश सेक्शनल वाइज टेस्ट हो, GA सेक्शनल वाइज, क्वांट, रीजनिंग फुल लेंथ टेस्ट, CGL का हो, CHSL का फुल लेंथ टेस्ट हो, GD का फुल लेंथ टेस्ट हो, तो उस सभी टेस्ट को अटेंड करने के लिए आप 23 दिसंबर तक आपके पास मौका है कि आपको कि कम प्राइस में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी आप करते रहें। PMYT कोड यूज करके अपनी जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको ले सकते हैं। माय नेम इज सोम सिंह और मैंने जो है SSC CGL 3 times, CHSL 3 times, IBPS PO, SBI PO और मंडी परिषद इंस्पेक्टर की पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ये मेरा छोटा सा परिचय स्टूडेंट, और मैं प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तौर पे काम कर रहा हूं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के दिन का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिस भी विद्यार्थी को इसका आंसर पता होगा वो जल्दी से आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, और क्योंकि आप ऐसे तैयारी जब तक नहीं करेंगे, आप, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दो अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। किस देश की बगेट ब्रेड को से जुड़े कुटीर ज्ञान को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? विच कंट्री कॉटेज नॉलेज रिलेटेड टू बगेट ब्रेड हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट? स्टूडेंट, मैं आपको एक पहले क्वेश्चन समझा दूं, ये जो बकेट ब्रेड है, ऑप्शन दे बताता हूं आपको, फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का एक ब्रेड है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इस ब्रेड को बनाने में जो नॉलेज चाहिए, बनाने की जो नॉलेज है, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनेस्को की, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट अच्छा फ्रांस आंसर है तो फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस का जो फर्स्ट रिपब्लिक हुआ फ्रांस को मिला, वो कब मिला, वो स्टूडेंट मिला आपका 1784, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पता होगा, 1784 में हुआ, और इसकी कैपिटल कहाँ है, पेरिस। कैपिटल कहाँ है, पेरिस। करेंसी यूरो, करेंसी स्टूडेंट यूरो है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक, सॉरी एजुकेशनल, एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का अगर मैं बात करूं एस्टेब्लिशमेंट की, तो स्टूडेंट यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945। यूनेस्को एक पार्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। अभी तक यूनेस्को की इस लिस्ट में 167 कंट्रीज जो है वो मेंबर है, यानी 167 कंट्री जो है इसकी मेंबर है यूनेस्को की। बात समझ
बगट फ्रांस की एक लोकप्रिय ब्रेड है, यूनेस्को की सूची में स्थान देकर इस ब्रेड को कुटीर ज्ञान संस्कृति। और मैं आपको बताता हूँ ये किसके किसके साथ बनाता है, आटा नमक और खमीर, और इसके बनाने की जो विधि है उसको ही शेयर किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं, जैसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विच डांस हैज बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी इंक्रिप्टेड इन द यूनेस्को इंटेंजल कल्चरल हेरिटेज। गुजरात का डांस है गरबा स्टूडेंट, इसको अभी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दूसरा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के रूप में त्रिशूर और नीलांबुर और वारंगल, त्रिशूर नीलांबुर और वारंगल इन तीन शहरों को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा है कि आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा इस क्लास के बाद आपका जो पीडीएफ है उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए उस टेलीग्राम में उसको फॉलो कर लीजिए और इसके पीडीएफ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ये है ब्राजील की। क्योंकि मैं लिख के इसलिए लाता हूँ क्योंकि मुझे लिखना ना पड़े, और बहुत ज्यादा लिखना होता है तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होना, भारत का पहला शहर जो है वो है अहमदाबाद, ये गुजरात का शहर है स्टूडेंट, और अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता स्थल अधिसूचित किया गया है, ये तमिलनाडु ने किया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द यूजुअली इंपायर्ड, दृष्टि बाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन की मेजबानी कौन करने वाला है। तो स्टूडेंट ये मेजबानी करने वाला है अपना देश भारत। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। अपना देश भारत जो है इस पर्टिकुलर दृष्टि बाधित, मतलब कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग उन लोगों का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का थर्ड एडिशन, इसकी स्टार्ट हुई थी 2019 में स्टार्ट हुई थी पहली बार, और विद्यार्थियों ये जो है अब T20 वर्ल्ड कप के तीसरे एडिशन की मेजबानी अपना देश इंडिया करने वाला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन जानते हैं, जैसे ये कब होगा, ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी इसमें देखिए आप, हाँ, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टीमें जो है वो पार्टिसिपेट इसमें किया। विश्व में कुल 24 मैच होंगे विश्व कप में, जिसमें 7 देशों के 150 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन बात करते हैं, जिसमें किस राज्य में क्रिकेट बधिर टीम के हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है, ये हरियाणा ने जीती है। अब बधिर का मतलब क्या होता है, वो लोग जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनका अभी हाल में चैंपियनशिप हुआ था, ये हरियाणा जीता था, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा ये देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है, यह कप किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट यह कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी कप याद रखना, ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है, आंसर करना, सबसे पुराना कप है डूरंड कप, वो किससे संबंधित है, आप सभी लोग आंसर करिए। आगे हम तब तक बढ़ते हैं, ICC की सबसे मूल्यवान टीम में जगह पाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है भाई, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये भारत के दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत शानदार प्रदर्शन इनका रहा है पिछले दिनों, इस वजह से इन लोगों को शामिल किया गया ICC में। मैंने पूछा कि डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आप आंसर करिए। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिकेट माई स्टाइल जो किताब है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा गया है, तो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं आपके कपिल देव जी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिए साथ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, विच हाई कोर्ट हैज बैंड द यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड द टेम्पल्स। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक जो होता था वो क्या होता था कि मंदिर की जो ट्रस्ट थी
वो रोक लगाते थे कि आपको फोन लेके नहीं जाना। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट इसको जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अब मंदिरों में फोन जो है वो इस राज्य में, किसमें, मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है, इसका आंसर क्या है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये आपका जो है वो डिसीजन दिया, ठीक है भाई। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में बात करता हूँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट कब बना, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बारे में जो बिल है वो पास हो चुका था 26 जून 1862 को, मतलब ये तय हो गया था कि मद्रास में एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा और इसका जो मेन है वो कहाँ है, चेन्नई, चेन्नई में, ठीक है। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट जो है बना कब, ये बना 15 अगस्त 1862, 15 अगस्त 1862 को फाइनली मद्रास हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, ठीक है, इसकी नींव रख दी गई। और विद्यार्थियों, मद्रास हाई कोर्ट जो है किस समय बना था, उस समय इंग्लैंड की रानी जो है वो क्वीन विक्टोरिया थी, कौन थी, क्वीन विक्टोरिया, उस टाइम ये बना था मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट एक्चुअली ये आदेश जो है वो दिया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जितने भी मंदिर हैं उनकी, मंदिरों की जो अगर एक तरह से कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी ये दो ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जहां पे ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, लागू होता है, समझ में आई बात। चलिए, तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट की जब सब बातें हम लोगों ने कर ली तो चीफ जस्टिस भी जान लो, चीफ जस्टिस कौन है, मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है टी राजा, इनका नाम क्या है, टी राजा जी यहाँ के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना भाई। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है, तो केरला। आपको पता है कि अब तक क्या होता था, अब तक पूरे भारत में सारे स्टेट्स में यही रूल है कि भाई सोने की कीमत एक जैसी नहीं होती थी, कहीं अलग कहीं अलग, लेकिन अब क्या है, राज्य भर में जो गोल्ड है उसकी कीमत जो है अक्रॉस यूनिफॉर्म प्राइस रख दी गई है, ठीक है, केरला के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये हरियाणा ने किया है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है वो लगाई गई लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैथोजन रिडक्शन मशीन जो कि मतलब जहर निकालने वाली, पैथोजन मतलब क्या होता है, जहर, तो जहर को निकालने वाली जो मशीन है उसका वो पहली बार, एशिया की पहली मशीन है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाई गई है, ठीक है। हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में, जो कि ट्राइबल एरियाज के लिए है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के लिए पहली बार ऐसा, हर घर उत्सव, ऊर्जा उत्सव मतलब कि ट्राइबल एरिया में हर घर जो है वो बिजली हो, हर घर जो है वो लाइट हो, एलईडी हो, ताकि उनका जो घर है वो रोशन रहे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है, विच बैंक हैज वन द बैंकर्स ऑफ बैंक द ईयर 2022, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैनरा बैंक। अभी हाल में ही इसका जो है वो अनाउंसमेंट किया गया, तो जिसमें कैनरा बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। तो हम कैनरा बैंक के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों, मैं चाहूंगा आप लोग सेशन को शेयर जरूर करें जल्दी से, ताकि जो संख्या कम है वो थोड़ी सी बढ़े और हम लोग अपनी पढ़ाई और बढ़िया से कर पाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये 1906 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, कैनरा बैंक की, कहाँ पे, मंगलुरु में, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे 1906 में हुआ था। 1906 में इसका नाम जो है, जिस नाम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो नाम मैं बता देता हूँ, कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड, कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड, इस नाम से एस्टेब्लिश हुआ था पहली बार 1906 में। इसका नाम 1910 में बदला गया, इसका नाम रख दिया गया कैनरा बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी है, याद रखना,
कैनरा बैंक लिमिटेड नाम रख दिया गया, ठीक है। और यही जो है वो 1969 यानी 1969 में इसका नाम रख दिया गया फाइनली कैनरा बैंक। बस तो आप ये जान लो कैनरा बैंक का इतिहास यही है। अब इसके मैं हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, अगर हेडक्वार्टर के स्टूडेंट, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, तो और भी दिए गए, जैसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक, भारत का पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो भारत का पहला भारतीय बैंक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था विद्यार्थियों, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 यानी 1894 में, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये सी ऑप्शन जो है इसको भी देख लो, 21 नवंबर 1985 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका, कोटक महिंद्रा बैंक का। तो आई होप कि आप लोग ये जो है समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको। चलो, इससे देखो रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। किस बैंक ने भारत का पहला सीएट आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्टिकर बेस्ड है, स्टिकर बेस्ड है। तो भारत के ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसने शुरू की है, पंजाब नेशनल बैंक ने। अभी मैंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इंडिया का पहला भारत मत इंडियन बैंक है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1894 में, लाला लाजपत राय जी ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। 5 करोड़ मार्केट मैप पार करने वाला देश का पहला, देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है, तो ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा तो आप याद रखना कि फर्स्ट बैंक जो है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने 5 लाख करोड़ का मार्केट जो है वो गैप पहले ही पार कर लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डे से रिलेटेड आ गया है, तो हम यहाँ पे आपको दिसंबर के इंपॉर्टेंट सारे डेट बताएंगे। सबसे पहले इस डेट को देख लेते हैं, वर्ल्ड सॉयल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विश्व मृदा दिवस मनाया क्यों जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा था कि कुछ समय पहले या फिर अभी भी जो कार्बनिक चीजों का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो कमजोर हो गई है और जो उसकी पैदावार है वो कम हो गई है, उर्वरक शक्ति जो है वो कम हो गई है। तो इस वजह से मृदा दिवस मनाया जाता है, इस सॉयल को बचाने के लिए, ठीक है। तो केमिकल चीजों से सॉयल को बचाने के लिए मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉयल डे, ठीक है। इस बार की थीम भी आपको लिखनी पड़ेगी, थीम क्या है स्टूडेंट, इसकी थीम लिख लीजिए। 2021 में भी सेम थीम थी, इस बार भी सेम थीम है, जिसका नाम है सॉयल वेयर फूड बिगन्स, ठीक है, सॉयल वेयर फूड बिगन्स, दिस इज द थीम ऑफ 2022 सॉयल डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को किसे पता है कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है भाई 1 दिसंबर को, पता है? चलो मैं बताता हूँ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे, सॉरी वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है भाई, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इंपॉर्टेंट डे कौन सा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्टूडेंट नेवी डे, ठीक है, नेवी डे। अच्छा, अगर बात करूं 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये दो दिन, इस दिन दो डे मनाया जाता है। पहला कौन सा मनाया जाता है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, ठीक है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। और दूसरा डे जो है वो 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, उसका नाम क्या है विद्यार्थियों, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है भाई, आप लोग नोट्स बनाते रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना
जब पीडीएफ आप लोगे ना तो पीडीएफ में ये चीजें नहीं मिलेगी जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग नोट्स बनाते चलो ताकि आपका जो नॉलेज है डे को लेके वो सही हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है सर डे याद नहीं होते हैं, तो विद्यार्थियों जान लो डे तभी आपको याद होंगे जब आप डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे। जैसे दिसंबर का ये डे आ गया, दिसंबर का जैसे ही मैंने पूछ दिया आपसे कि सॉयल डे कब आ गया, सॉयल डे आपको याद आ गया कि 5 दिसंबर को सॉयल डे, तो उससे पहले या फिर उसके बाद दिसंबर के जितने भी डेट आपको याद है एक बार ही रिवाइज कर लो। जैसे अब मैं बात करूं आपका कि 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बताऊंगा। अरे चल जाओ पेन, क्या हुआ पेन को, देखो भाई 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है स्टूडेंट ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ही ना अब दिसंबर के कोई भी बात अगर आपसे करूंगा तो आप जरूर इन सभी डे को रिवाइज करना, एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं आप नोट्स बना लो अपनी कॉपी पे, जरूर लिखो कि ये डे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही दिसंबर में कोई भी डे की बात आए आप तुरंत इसको रिवाइज करो तुरंत, अगर याद नहीं हो रहा है तो कॉपी उठा लो जिस कॉपी में नोट किया है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी डे, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अब नीचे मैं लिख देता हूं इधर यहां पे 23 दिसंबर, पेन कॉपी लेके बैठो सब कुछ नोट करो शांति से, गोवा सॉरी 23 दिसंबर क्या मनाया जाता है, किसान दिवस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 19 दिसंबर छूट गया, ये मैंने कई बार बताया भी है ऑलरेडी, ये मनाया जाता है विद्यार्थियों गोवा लिबरेशन डे, ठीक है, गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 19th of December, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट डे छूट रहा है 29 दिसंबर, आगे जगह है कि नहीं, हाँ है तो यार, अरे यार सॉरी, 29 दिसंबर ये मनाया जाता है क्या स्टूडेंट, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। भाई बोलो आप लोग, कमेंट भी करते रहो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट करो, या अभी मैं पूछ रहा हूं तो वो कम से कम कमेंट करके बताओ ताकि पता चले कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है 29 दिसंबर को। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको जल्दी से, 1 दिसंबर एड्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे, 7 दिसंबर आर्म फोर्स डे और आर्म फोर्स फ्लैग डे, और दूसरा डे मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, 14 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे, 19th of December को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, और 29 दिसंबर लास्ट फाइनली मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं, उन डेज को मैंने दिसंबर से बता दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, ये एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट जीडी के, ठीक है। तो आप लोग याद रखना डे जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एंटी टोबैको डे 31 मई को, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, इस बार ये सीएसएसएल में पूछा गया था पिछली बार, वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 1 जून को, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में कौन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, तो स्टूडेंट विच हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द अबू धाबी स्पेस डिबेट। देखिए अभी ये स्पेस डिबेट है, यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी इसको लीड करेंगे इंडिया की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष मतलब कि आगे आने वाली जितनी भी चीजें होंगी,
स्पेस से रिलेटेड, उनमें यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है, कहाँ पे होगी? यूएई स्पेस एजेंसी में, अबू धाबी में। ठीक है, तो स्टूडेंट आप याद रखना, ये लीड करने वाले हैं हमारे देश के जितेंद्र सिंह, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है। अगला प्रश्न, तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे किस शहर में 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि शारजा में जो है अभी हाल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें आपका जो कंट्री ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री थी, किसी को याद है? मैंने बताया था कंट्री ऑफ ऑनर 41वें अंतरराष्ट्रीय बुक फेयर में कौन था, तो विद्यार्थियों में लिख लो इटली। ठीक है, याद रखना, या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 41th इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन शारजा, विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन दिस फेयर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। किस शहर के पुलमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है? केरला में एक पंचायत है जिसका नाम है पुलमपारा, ये फुल्ली डिजिटल जो है वो पंचायत बन चुकी है। कमेंट में करके बताओ कि आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग से जो पूछा जा रहा है उसका भी आंसर जरूर दो, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आंसर कम से कम कमेंट में करो कि सर इसका आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग करो। ओके, चलिए सब लोग करो, जो लोग पढ़ रहे हो कम से कम आपकी मतलब जो आप प्रेजेंट हो वो तो पता चले। किसके द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट भारत में शामिल होने की घोषणा की है लंदन, इसमें भारत शामिल भी हुआ है। स्टूडेंट जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है, भारत इसमें शामिल हुआ है और केरला को ही ठीक है सबसे सेफ ट्रेवल स्टेट के रूप में अवार्ड भी दिया गया है। सबसे सेफ ट्रेवल अवार्ड जो है वो दिया गया केरला को, हमारे देश के स्टेट को। किसके द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल जो एविएशन सेफ्टी का मतलब कि हमारे यहाँ जो उड्डयन यानी कि जहाज चलती है ना, ठीक है, फ्लाइट्स चलती हैं, उन फ्लाइट्स में सेफ्टी रैंकिंग हर बार जारी की जाती है, फ्लाइट्स की सेफ्टी रैंकिंग जारी की जाती है, तो उसमें इस बार भारत ने बहुत लंबी छलांग लगाई है और भारत पहुंच गया है 48th रैंक पे। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, 4 साल पहले 4 years ago इंडिया जो है इसमें ग्लोबल एविएशन रैंकिंग में इंडिया का जो स्थान था ना, आप जानोगे तो 102 था। कौन सा? सेकंड, 102nd रैंकिंग थी इंडिया की, लेकिन अब ये 2022 में 48th रैंक पे आ चुका है। मैं इस एविएशन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकर्स को बताता हूँ। फर्स्ट रैंक पे कौन है भाई? सिंगापुर एविएशन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है सेफ्टी के मामले में। दूसरे रैंक पे कौन है स्टूडेंट? सेकेंड रैंक पे है यूएई, ठीक है। एंड थर्ड रैंक किसकी है? थर्ड रैंक है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया जो है वो थर्ड रैंक पे। अच्छा, ये बात आती है सर कितने देशों का ये जो है किया गया, ठीक है, कितने देशों का ये रिपोर्ट है जिसमें ये रैंकिंग इंडिया की 48 है? तो स्टूडेंट आप याद रखो 187 कंट्रीज जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 187 नेशंस आर पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ और बातें करते हैं। देखिए अब कुछ और रैंकिंग जिसकी ये इंपॉर्टेंट है भाई, फिर से जान लो क्योंकि रैंकिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 61वें स्थान पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस मतलब कि हमारे यहाँ जो नेटवर्क की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ नेटवर्क, उस मामले में इंडिया 61वें प्लेस पे रहा है 131 देशों के जो रिपोर्ट है उसमें।
ये गलत लिख दिया गया है, ये जो गलत लिखा ना दूसरा ये गलत है, ठीक है। चलो जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया 8th रैंक में रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं विच रैंक इंडिया एंड रिसेंटली रेज द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इंडिया की जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रही है वो 37th रैंक पे रही है, मतलब कि कंपटीशन में, कंपटीशन इंडेक्स भी जारी की जाती है कि कौन सा देश कितना कॉम्पिटिटिव है और कितना काम कर रहे हैं, तो इसके एवज में इंडिया की जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो रही है 37th रैंक पे। और लास्ट जो कि लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है ये है आपका विच व्हाट इज द रैंक अमंग 161 कंट्रीज इन द कमिटमेंट टू द रिड्यूस द इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी असमानता इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 123 रैंक पे रहा है भारत। विद्यार्थियों बहुत बड़ी बात है असमानता रैंकिंग, मतलब हमारे यहाँ जो है भेदभाव को देखते हुए भारत जो है वो एक की रैंकिंग बहुत पीछे है। इस अगर बात की जाए तो बाकी देश भी इससे आगे हैं, से पड़ोसी देश बांग्लादेश है वो भारत से आगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव $100 बिलियन इज रेमिटेंस एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेषण बताता हूँ, रेमिटेंस बताता हूँ रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस जो होता है जैसे हमारे यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उनके द्वारा भारत में भेजा गया पैसा, रेमिटेंस या प्रेषण जो होता है वो ये होता है कि हमारी कंट्री के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनके द्वारा भारत में जो पैसा भेजा गया वो सबसे ज्यादा भेजा गया है, ठीक है ना। बाकी कंट्रीज में इतने पैसे नहीं भेजे गए हैं, बाहर से पैसा भारत में बहुत ज्यादा है और ये नंबर मतलब फर्स्ट कंट्री बन गई है जो $100 बिलियन का क्या किया है, रेमिटेंस किया है, तो वो है हमारा देश भारत। समझ में आई बात, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। $100 बिलियन जो है वो रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब मैंने बताया कि इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं उन्होंने पैसा भेजा तो वो आ गया रेमिटेंस में, ठीक है। कर्ज चुकाने के लिए दिया गया पैसा, इसका हिंदी होता है कर्ज चुकाने के लिए दिया गया पैसा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है बाहर के लोग रह रहे हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं वो आए यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं तो इसलिए रेमिटेंस, ठीक है। देखो क्या हुआ है 2021 में ये क्या था, कम था, 2022 में ये 12% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, 2022 में ये इंक्रीज हुआ है 12% और ये बढ़ गया है 100 बिलियन। अब 2021 में कितना था, 89.4 बिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे हु विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंट्री क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, तमिलनाडु, ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट यानी कि महालेखा परीक्षा निदेशक की भूमिका सृजन करने वाला देश का पहला पूरा पूरा का पूरा स्टेट ही बन गया है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु ने अभी, विद्यार्थियों पहला ऐसा स्टेट है तमिलनाडु जिसने अपने यहाँ के एलिफेंट यानी हाथियों के मरने का भी ऑडिट करने का जो है वो क्या किया है, फ्रेमवर्क तैयार किया है, फ्रेमवर्क पेश किया है, ठीक है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, तो झुंझुनू राजस्थान में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है किस राज्य ने मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो बिहार में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप इसको अब स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहो ताकि अभी आके लिए आपको याद रहे, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक दिया होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस शहर में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेसी बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, स्टूडेंट ये ऑर्गेनाइज की गई है कहाँ पे, जल्दी से मुझे बताइएगा, किसी को पता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो, न्यू दिल्ली। ये ऑर्गेनाइज कहाँ की गई है, न्यू दिल्ली में। कोई बोल नहीं रहा ना तो मुझे ही बताना पड़ रहा है, कम से कम आप आंसर करते रहते तो ये पता चलता कि हाँ भाई
कुछ तो हैं जो आंसर कर रहे हैं, कुछ तो हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ तो हैं जो इंटरेस्टेड हैं। केवल सुनना इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो सही से, या फिर आपको पता ही नहीं है तो अलग बात है, पता नहीं है फिर भी आप बता सकते हो, है ना। देखिए मैं समझाता हूँ इसको, पूरा लिख के मैं बाकायदा लाया हूँ केवल आपको बता सकूँ समझा सकूँ। केंद्रीय जयंती के अवसर पर, ठीक है, यानी कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस की जो जयंती है वो है आपकी 3 दिसंबर को, ठीक है। तो बोस जी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, तो उनकी जयंती पर उनके योगदान के लिए क्या किया गया है, एक सम्मेलन आयोजित किया गया। देखो सॉरी, इनकी जयंती है 30 नवंबर को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट कौन सा है, सेकंड क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड कह रहा है स्टूडेंट की वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड द सरस फूड फेस्टिवल। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया और देश के हर एक कोने से जो भी फेमस चीज है यहाँ पे उसका इस फेस्टिवल में क्या किया गया, दिखाया गया उस फेस्टिवल में, ताकि लोग उसके बारे में भी जाने। किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिटनेस सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई, तो ये मुंबई के द्वारा की गई। सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा ने की है। और लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट ही है, 17 से 20 अक्टूबर में कहां अंतरराष्ट्रीय गैर संगठन की 5वीं सभा आयोजित की गई है, सोलर अलायंस की, सॉरी गैर मूल्यवर्ग सौर गठबंधन की। आपको पता है कि जो सोलर अलायंस है पूरे वर्ल्ड में, उसकी शुरुआत की गई है इंडिया के द्वारा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सोलर अलायंस का स्टार्टिंग 2017 में की थी। देश के वो सभी जो लोग कर्क रेखा के नजदीक कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो कर्क रेखा के सेंटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक जो है, उनमें क्या बोलता है, सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए सूर्य के जो किरणें हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस कराया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और तब से सोलर अलायंस बना हुआ है और चल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं इस पे, बाकी कंट्रीज भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री, पुस्तक का विमोचन किया गया। तो स्टूडेंट पुस्तक का नाम क्या है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विजनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इस किताब को लिखा है, किसी लेखक ने नहीं लिखा है, बल्कि एक विक्रम संपत नाम का, क्या लिखा गया है भाई, ये एक पब्लिशर है, विक्रम संपत जो है ये एक पब्लिशर है, और इसने इंडिया की जो हिस्ट्री में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या काम किया भाई, ब्रेव वर्क किया है, उनकी सभी जिक्र किया गया। मैं इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं क्या है इसमें। विक्रम संपत को पेंगुइन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये एक पब्लिशर है, ये क्या है, पब्लिशर है, इस किताब को लिखा है। उनकी स्वतंत्रता और साहस में भारत में, चाहे वो मेन रहे हो या फिर वुमेन्स रहे हो, उन लोगों की 15 ऐसी कहानियां लिखी गई है इसमें, इस किताब में, जिनमें उनको दिखाया गया है कि किस तरह से उनका स्पिरिट ऑफ फ्रीडम था, किस तरह का उनका करेज था, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें जो आजादी मिली, हमें जो इंडिपेंडेंट मिली है, वो बहुत मुश्किल से मिली है। समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना बात, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं, बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन। इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ में मिल जाएगा तो पढ़ लेना, बट अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, Which Union Minister has released the book India, the Mother of Democracy? अभी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मैंने अभी इनके बारे में बताया आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का क्या किया, रिलीज किया पुस्तक को। आगे, किस देश के इतिहासकार साइमन सेबाग द्वारा द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक किताब लिखी गई, ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के लेखक हैं जिनका नाम है साइमन सेबाग, उन्होंने लिखा है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। किताब का नाम क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। इसमें देश की ऐसे परिवारों के बारे में बताया, पूरे सॉरी वर्ल्ड के ऐसे परिवारों के बारे में बताया गया है
जिन्होंने कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए बहुत सारा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा त्याग किया है, उन सबके बारे में बात की गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट किताब है भाई। किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटीज 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक जो है वो लिखी है? तो हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। अच्छा, ये किताब क्या है? एक्चुअली इस किताब में जो है हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले सभी जितने भी बड़े बड़े स्टार रहे हैं, सेलिब्रिटीज रहे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस किताब में उनका जिक्र है। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया? तो आशुतोष रारावीकर, इंडियन बैंकिंग के बारे में इन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में लिखा गया है 75 सालों में कैसे हमारी देश की बैंकिंग जो है वो आगे बढ़ी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सब के बारे में लिखा गया है इस किताब में जिसका नाम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बैंकिंग से रिलेटेड है, इंडियन बैंक। आगे बढ़ते हैं, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द एशिया जूनियर बैडमिंटन सीरीज? तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, इनका नाम है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा मात्र 15 साल की हैं, ठीक है, इनका जन्म जो है वो 2007 में हुआ था, 2007 में इनका जन्म हुआ था और ये मात्र 15 साल की हैं, उन्नति हुड्डा। ठीक है भाई, ये हरियाणा से हैं। कहां से हैं? हरियाणा से। तो हरियाणा से ये हैं जिन्होंने अभी हाल में ही एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो फिगर में आपको दिख रही होंगी, यही है उन्नति हुड्डा जो कि सी इज फ्रॉम हरियाणा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 दिसंबर 2022 को थाईलैंड में होने वाले इस थाईलैंड में हुआ एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप जो कि अंडर 17 में, ठीक है, अंडर 17 में फाइनल में थाईलैंड की सरूरमा वर्दिंदीदी से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं, छोड़ो इन सब चीजों को, मैं आपको बताता हूँ, उन्नति हुड्डा एक ऐसी फर्स्ट प्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर है जो कि फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 19 जो वुमेन्स सिंगल टाइटल्स है उसके फाइनल में पहुंचने वाली पहली गर्ल्स है, ठीक है, पहली खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसमें रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं, जैसे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है अंडर 20 में? अंडर 20 में पहली महिला पहलवान जो है वो अंतिम पंगाल नाम है इनका, ये भी सी इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 4 पदक जीतने वाली पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का अब जो है 4 पदक हो गया है रेसलिंग में, ठीक है, समझ में आई बात। विश्व जूनियर तैराकी फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस। ये पूरा का पूरा जो पेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 36 नेशनल गेम्स यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? ये पूजा पटेल है। स्टूडेंट आपको बताया कि योगासन यानी कि योग आसन में जो है एक तरह से इस बार पेश किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेलों में जिसमें शामिल किया गया था योग, इसमें पहली जो एथलीट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है पूजा पटेल, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। राष्ट्रमंडल खेल जो है CWG 2022 जो कि बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, जुलाई अगस्त में, इस गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता था इंडिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में लोंगेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस जो है वो मनाया गया? इन विच स्टेट हैज पराक्रम दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड
टू मार्क 51st एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ लोंगेवाला। स्टूडेंट जो बैटल ऑफ लोंगेवाला है ना, ये हुआ था कहां पे? ये एक इंडो पाक वॉर था, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कहाँ मनाया गया है। इसकी 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान की हम लोग बात कर लेते हैं, राजस्थान की कैपिटल कर और सीएम गवर्नर वगैरह की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, राजस्थान का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर, ठीक है। राजस्थान का एस्टेब्लिश सॉरी 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च को। भाई कमेंट कर तो करते रहो, मैं कम से कम देखूं आप। 30 मार्च 1949 को, ठीक है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, और गवर्नर कौन है विद्यार्थी? गवर्नर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, कम से कम गवर्नर तो बता देते। कलराज मिश्र, ठीक है। अच्छा, अगर 91वीं वर्षगांठ पे अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये 91वीं वर्ष किसके? लोंगेवाला। जो लोंगेवाला जो युद्ध है ना विद्यार्थियों, ये हुआ था 1971 में, 3 दिसंबर को। इंडो पाक वार आपको पता है कि 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो इस युद्ध में ही इंडो पाक वार जो कि हुआ था राजस्थान के लोंगेवाला पे, इस वजह से इसमें इंडिया जो जीता था, तो जीत की खुशी में वर्षगांठ जो है वो मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 1971 के दौरान लोंगेवाला युद्ध भारत की एक जीत का 91वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया, ठीक है ना। कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। अच्छा, आप लोग क्या है ना कि देखो, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए, मैं जो लोग सीरियस हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनको बिल्कुल भी मत मिस करो, चाहे वो यूट्यूब पे ही क्यों ना हो रही हूँ, उन सभी क्लासेस को अटेंड करो। स्टूडेंट अटेंड करने से आपके ही बहुत सारे फायदे हैं। फालतू के वीडियो आएगी, जैसे नोटिफिकेशन आएगी उधर चले जाते हो, जो काम की वीडियो होती है उस पर ध्यान देते नहीं हो, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से होगा आपका सिलेक्शन, ना कि केवल नाम करने से। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वांटम है ये, क्वांटम लिखा हुआ यहाँ पे, क्वांटम। विच कंट्री प्रेसिडेंट विल द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023? इजिप्ट। मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे आपके 26 जनवरी के, क्या होंगे हमारे चीफ गेस्ट होंगे। पैसिफिक देश ने पहली बार 12वीं विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया है, तो फिजी में, ठीक है। फिजी में 12वां जो है वो आयोजित किया जाएगा, क्या? हिंदी दिवस। ये मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, प्रीवियस क्लास जो होगी उसमें आप जाके देख लेना जरूर से। अब 2023 में 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा वो इंदौर में मनाया जाएगा, ये बात आप ये भी बता दिया। इसका जो वो टाइटल दिया गया था अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन मानसिंघानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर सम्मानित किया गया है? ये एक ऑफिसर का सबसे बड़ा जो है अवार्ड है स्टूडेंट, और ये अवार्ड दिया गया है किसको? मोहन मानसिंघानी को दिया गया है। और ये अवार्ड की कौन देता है? ये देता है हम ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक्सीलेंस ऑफिसर अवार्ड है ये, जो कि हमारे इंडिया के मोहन मानसिंघानी जी को दिया गया है। भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसिंघानी को लंदन के बर्मिंघम पैलेस में इस अवार्ड को दिया गया, ठीक है। ये सम्मान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। श्री मानसिंघानी को वित्त बाजार में विशेष अनुभव के लिए और एक रचनात्मक वित्त निदेशक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया था कोरोना के टाइम में, जब ब्रिटेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम इन्होंने ब्रिटेन की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, अपने जो उनकी सर्विसेज थी, इन सर्विसेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की। जैसे मलयालम लेखक जिनका नाम है अजू थार्चन, पुरस्कार 2022 दिया गया है,
किस मलयालम लेखक को, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं आपको बता दूं अभी। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इंपॉर्टेंट ये है तो जान लो, इसको जीता है तेलंगाना ने, यानी कि स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण ग्रामीण में, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र से पुरस्कार जीता है, किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, ये लॉन्च किया गया है हमारे देश के उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये स्कीम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, यानी कि आपको नाम से ही पता है कि इसमें क्या होने वाला है। अब यूपी का हर जिला अपना अलग खेल होगा, हर जिले की अपनी अलग खेल होगी और उस खेल से उस जिले की पहचान होगी। क्या है इस योजना में, हर एक जिले में अपना खेल होगा। जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है, जो नेशनल गेम है, वो आपका हॉकी है। तो ऐसे हर जिले में, उत्तर प्रदेश का हर जो 75 जिला है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, उन हर जिलों में अलग अलग गेम होगा और अलग अलग उनकी पहचान होगी, उस गेम के नाम से उस जिले की पहचान की जाएगी, ठीक है। इस जो योजना है इसका नाम लिखा गया है ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ठीक है। चलो अच्छा, योगी आदित्यनाथ सरकार को उम्मीद है कि ODOP कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना, देखो एक बात और जानो, स्टेट की वो कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सभी योजनाएं, सभी स्कीम तो पढ़ रहे हो, लेकिन कौन सी स्कीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ये समझने वाली बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टेट की वो योजनाएं जिनको और भी स्टेट फॉलो करें, यानी कि वो सेंट्रल स्तर पे जानी जाए, कंट्री जो लेवल पे वो उसको जाना जाए, तो वो योजना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुख्यमंत्री परिवार कल्याण स्वास्थ्य परीक्षण योजना जो है उसका स्टार्टिंग किया गया था हरियाणा में, और इसका जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम पहल, ये इट्स नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट याद कर लो कि वंदे मातरम पहल क्या है। मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के, इन्होंने शुरू किया है। इसमें क्या है कि जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग भी ऑफिस जाते हैं सरकारी ऑफिस, तो उनको क्या बोलना होता है, जय हिंद बोलना होता है, ठीक है। तो अब जय हिंद के जगह पे या फिर गुड मॉर्निंग के जगह पे आपको वंदे मातरम बोलना है, यही चीज है बस। अच्छा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा ने स्टार्ट किया है, अमर सरकार पोर्टल जो है वो त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है। त्रिपुरा ने जो अमर सरकार पोर्टल स्टार्ट किया है, ये एक बड़ा अच्छा पोर्टल, जैसे इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में, स्टेट के लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यानी आपकी जो समस्या है वो डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे लिख सकते हैं। दिस इज द पोर्टल लॉन्च बाई त्रिपुरा गवर्नमेंट, ओके। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, When is International Civil Aviation Day? मैंने आपको अभी बताया था, जब दिसंबर के सारे डेट्स मैं बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि उसमें सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है। तो यही बता दो कम से कम, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो उनको याद होगा कि सिविल एविएशन डे मैंने अभी बताया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दिसंबर के, जब मैं डेट्स बता रहा था उसमें, अभी जस्ट इसी क्लास में हम लोगों ने बात की थी। जल्दी बताओ भाई, कम से कम यही तो बता दो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही दूसरे क्वेश्चन पे ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, कोई बात नहीं। चलो आंसर नहीं करेंगे तो भाई नुकसान तो है आपका। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो इस बार इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है, लाइक एवरी ईयर सेलिब्रेटेड दिस इज ऑल्सो थीम, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या
क्या लिखा है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन ग्रोथ, ठीक है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन ग्रोथ, ये इसकी थीम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, ठीक है, 2022 की, जो कि 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और डेज यहाँ पे लिखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है इनकी। जैसे इन्वायरमेंट डे हो गया, फूड सेफ्टी डे हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे हो गया, नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे हो गया, ये तो नहीं पूछा जाएगा, चाइल्ड लेबर डे ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, वर्ल्ड लेवल पे इसको जाना जाता है। तो अगर आपने स्टूडेंट अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का तो ले लो, अभी और क्वेश्चन होंगे तो आप लोग रुके रहिएगा, अभी आपको जाना नहीं क्योंकि और भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 23 दिसंबर से पहले पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% इंस्टेंट ऑन मिलेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस के मेंबर या फिर आइकॉनिक के मेंबर बनते हैं आपको, इसमें होता क्या है, इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ, जैसे आप यहाँ पे क्या है, आपको उतने सारे क्वेश्चन नहीं होगा, आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट डाउट नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पे आप डायरेक्ट कॉल करके या फिर अपने जो फोटो है, स्क्रीनशॉट है, उसको भेज सकते हैं या फिर टाइप करके भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, आपको डाउट वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा एजुकेटर के द्वारा लाइव क्लास में। अब यहाँ पे आपको टेस्ट जो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और सेक्शनल वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों चीजें मिलेंगी। यानी अगर आपको अलग अलग देना है, इंग्लिश का अलग देना है, क्वेंट का अलग देना है, रीजनिंग का अलग देना है, जीए का अलग देना है, तो वो मिलेगा, या फिर अगर आपको मॉक टोटल देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, तो फिर आपको वो भी अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे। तो PMYT कोड यूज करके 23 दिसंबर से पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि CHSL का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, CHSL की जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है भाई, कितनी वैकेंसी है, डेट्स वगैरह सब कुछ आ गए हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस बैच में एनरोल कर लीजिए, ठीक है ना, इस बैच में एनरोल कर लीजिए CHSL के इस बैच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ ही MTS का कंप्लीट बैच जो कि 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है, CGL 2023 को देखते हुए, मेंस प्लस प्रीज दोनों को देखते हुए यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट, हैंड रेज का ऑप्शन रहेगा, 200 से ज्यादा घंटे की जो क्लास है वो आपको मिलने वाली है, बाइलिंगुअल होने वाला है। और ये जो इम्पोर्टेंट बैच है आपका 15 दिसंबर से स्टूडेंट, ये प्लस का बैच है, स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी प्लस का डिस्काउंट कोड, आइकॉनिक का डिस्काउंट कोड PMYT है, जो लोग अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए वो ले लो PMYT कोड यूज करके। 23 दिसंबर से पहले लोगे तो आपको देखो ये सारे टेस्ट भी मिलने वाले हैं जो दिसंबर में होने वाले हैं, इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ मिलने वाले हैं नोट्स, तो जो लोग भी आइकॉनिक के मेंबर हैं उनको नोट्स मिलेगी, सॉरी नोट्स मिलेगा आपको बुक के फॉर्म में, ठीक है ना, बुक के फॉर्म में मिलने वाला है। चाहे प्लस के जो मेंबर हैं वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी टैब पे क्लिक करिए, नोट्स टैब क्लिक करिए, अपने टॉपिक को सेलेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई जो है वो कहीं भी कभी भी स्टार्ट करिए। देखिए मैं इसी ऑप की बात कर रहा था, आस्क अ डाउट फीचर का आप यूज कर सकते हैं लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो प्लस के मेंबर के लिए भी आप 23 दिसंबर डेट याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर से पहले पहले आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PMYT कोड यूज करो, ठीक है, 20% इंस्टेंट ऑफ। और अगर मैं बात करूं आइकॉनिक के लिए भी, तो इसके लिए भी आप वो करो, ठीक है, ये कोड याद रखना, डिस्काउंट कोड है PMYT, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक करना और शेयर करना आपका काम है स्टूडेंट, क्योंकि इससे हमें जो मिलता है कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस से हम आपको और भी नॉलेज देते हैं और भी आपको नॉलेजेबल बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप द सेपरेट दिव्यांग विभाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही अनाउंसमेंट की है कि हमारे यहाँ जो सेपरेट दिव्यांग जो है वो विभाग होगा, अलग से दिव्यांग विभाग बनाया जाएगा। तो इस पे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ और बातें करते हैं, ये मैंने बता दिया शायद, ये पीछे ही बता दिया हम लोगों ने विभाग विभाग की बात। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है, ठीक है। रियल टाइम गोल्ड ATM क्यों लगाया गया मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आप पैसे से क्या करते हो,
आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड जो है वो इंसर्ट करते हो और पैसा क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर आपको गोल्ड क्या लेना होगा, गोल्ड क्वाइन, ठीक है, सोने के सिक्के अगर आपको लेने होंगे तो इस एटीएम में जो कि गोल्ड एटीएम मशीन है, रियल टाइम गोल्ड एटीएम मशीन है, आपको मिलेगा एक एटीएम कार्ड। आप उस मशीन में एटीएम, चूंकि अकाउंट में आपके गोल्ड होना चाहिए तभी आपको मिलेगा, या फिर उतना पैसा होना चाहिए जिसकी वजह से गोल्ड क्वाइन आपको मिल पाए। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी को मिले नहीं। तो गोल्ड क्वाइन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहले क्या जाते थे लोग दुकान पे खरीदने जाते थे, लेकिन अभी क्या है, ये एटीएम की सुविधा हो गई है, वहां पे 100% प्योर गोल्ड एटीएम, सॉरी गोल्ड जो क्या है क्वाइन है वो आप पा सकते हो इस एटीएम के थ्रू। तो ये एटीएम स्टूडेंट लगाया गया है हमारे देश के हैदराबाद स्टेट में, सॉरी हैदराबाद सिटी में। ओके चलिए, यहाँ पे आप देख लो, सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया ये एटीएम गोल्ड के सिक्के देगा, ठीक है, जिसमें आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने की खरीद कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कार्ड रहे, चाहे वो डेबिट कार्ड रहे या फिर क्रेडिट कार्ड रहे, उतना पैसा आपके कार्ड से कट जाएगा और सोने का जो सिक्का है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस एटीएम के थ्रू। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है भाई, याद रखना हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। किस शहर में जैविक डेटा केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है वो फरीदाबाद में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा चेन्नई में। पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया बेंगलुरु में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विकसित किया गया हैदराबाद, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, 7th एडिशन ऑफ संगम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। देखो इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज है जिनका अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज कराए गए हैं सारे एक्सरसाइज, तो आप लोग उन सारे एक्सरसाइज को भी रिवाइज करिएगा। पीछे जैसे कि गरुण हो गया, ठीक है, और अभी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था युद्ध अभ्यास नाम से ही एक एक्सरसाइज है जिसको अभी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस यानी कि अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। तो ये स्टूडेंट आयोजित किया गया जो संगम एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। गोवा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। गोवा के जो सीएम है उनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत जो है वो सीएम है गोवा के। गवर्नर कौन है गोवा का भाई, गवर्नर कौन है लिख लो, पी एस श्रीधरन पिल्लई जो है वो गवर्नर है जी यहाँ के। अच्छा, गोवा लिबरेशन डे अभी बताया 19 दिसंबर को 1961 को पुर्तगाली यहाँ से गए थे छोड़ के, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है हर साल। इसका एक जो अब ले लो, देखो संगम अभ्यास जो पहली बार 1994 में आयोजित ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है, इंडियन नेवी मार्को एंड यूएस नेवी सील्स, किसके किसके बीच में, भारतीय जो नेवी है मार्को और यूएस नेवी जो है वो सील्स, इसके बीच में 1 से 22 दिसंबर के बीच में गोवा में आयोजित कराया जाएगा, ठीक है, पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लो, भारत और किस देश के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें एक और देश है। नासा के परसेवर रोवर किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है, मंगल, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। भारत और किस देश के बीच में कारावांड में गरुण शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कहां पे हुआ है, करावान, ठीक है, करावान जो है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। भारतीय सेना और दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है, शत्रुनाश अभ्यास याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो लोग ने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके लिए 23 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है ना, PMYT कोड यूज करके अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट, PC, UGC, NET, IIT, NEET और वो सारे एग्जाम जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर सकते हैं, उन सभी एग्जाम को जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। और PMYT सबसे बड़ा डिस्काउंट कोड होता है, इसका यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
जो अगर आपने अगर ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आपको प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको सुबह हमारी भी लाइव क्लास होती है 8 बजे, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेंस के लिए अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बहुत अच्छा मौका है, 23 दिसंबर तक से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लो PMYT कोड यूज करके, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी जो वीडियो हैं आपको और भी जो क्लासेस हैं लाइव क्लासेस उसको आप देख सको और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शेयर जरूर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कम से कम